तो आज मैं आप लोगों को एक लेटर राइटिंग का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये लेटर कौन सा है, राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर मनी, ठीक है। तो अपने पिताजी से पैसा मांगते हुए आपको उनको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो देखिए इससे पहले मैं बता दूं कि ये हालांकि एक इन्फॉर्मल लेटर ही है, तो एक इन्फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, ठीक है, पूरा एकदम करेक्ट जो टेक्निक होता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और एक और बात, अगर इस पूरे लेटर का अगर आपको HD पिक्चर देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा हमारे ब्लॉग का, वहाँ पे आपको इसका HD पिक्चर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे चेक कर लीजिएगा आप। अभी एक्सप्लेन करते हैं, देखिए पहले क्या है रूल, तो आपको अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो पता होगा। देखिए पहले लिखते हैं यहाँ पे माई डियर फादर, ठीक है, अगर फ्रेंड होता तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने काट दिया था, ठीक है, माई डियर फादर लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद कहाँ से लेटर लिखा जा रहा है वो फ्रॉम, जहाँ से आप लिख रहे हैं। उसके बाद डेट यहाँ पे, ठीक है, आर के नहीं सॉरी, यहाँ पे डेट होगा, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से लिख रहे हैं, उसके बाद डेट, ठीक है। उसके बाद ये लाइन, ये पैराग्राफ को लिखनी है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, आई एम ग्लैड टू नो दैट ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर, मतलब मैंने अभी अभी आपका लेटर पाया, ठीक है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब ठीक ठाक है, ठीक है। तो हालांकि देखिए माई फादर को आप लिख रहे हैं, ठीक है, फादर को लिख रहे हैं, तो पिताजी को उसका मतलब पूरा परिवार जो है वो लोग तो ऑब्वियसली साथ ही रहते होंगे। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि मुझे सुन के अच्छा लगा कि आप लोग सब अच्छे हैं, आप लोग मतलब माता माँ और भाई बहन, जो भाई बहन जो भी होंगे ना, तो सभी अच्छे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे मीन कर रहा है। उसके बाद देखिए अगला पैराग्राफ, टुडे आई लाइक टू से दैट माई एनुअल एग्जामिनेशन इज ओवर एंड यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव डन रियली वेल इन द एग्जाम। तो मेरा एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने काफ़ी अच्छा किया है इस एग्जाम में, ठीक है, मेरा एग्जाम काफ़ी अच्छे से गया है। आई होप टू पास विथ क्रेडिट, मैं क्रेडिट से पास हो जाऊंगा, ये मेरा मतलब पूरा उम्मीद है। आवर रिजल्ट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन विल बी आउट बाय 28th इंस्टेंट एंड सो आई शेल हैव टू बाई ऑल द टेक्स्ट बुक्स फॉर कमिंग ईयर्स, ठीक है। हमारा रिजल्ट जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो 28 तारीख तक आ जाएगा और मुझे अगले जो है क्लास के लिए कह सकते हैं अगले क्लास के लिए टेक्स्ट बुक जो है वो ख़रीदना है अगले साल के लिए। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी ₹5,000 ओनली सो एज सून एज पॉसिबल। तो मैं आपसे ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि मुझे ₹5,000 भेजिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो हालांकि ये जो है काफ़ी छोटा ही रहेगा क्योंकि जस्ट आप पूछ रहे हैं पैसे के लिए, इतना डिटेल यहाँ पे बोला नहीं है हमें लिखने के लिए, तो आप इतना ही लिखेंगे। उसके बाद आई एम कीपिंग वेल, प्लीज़ टेक माई प्रोनाम्स एंड कन्वे द सेम थिंग टू माई मदर। तो मैं अच्छा हूँ और मेरा प्रणाम लीजिएगा और मेरी माँ को भी प्रणाम, मतलब मेरा प्रणाम बोलिएगा। तो यहाँ पे ये लाइन लिख के ख़त्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे जहाँ पे सेंड हो रहा है एड्रेस, और ये लिखेंगे विद लव एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम योर सन, आपका नाम, ये, ठीक है। तो देखिए काफ़ी सिंपल वर्ड्स में है, मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से बोल दूँ, अगर आपको इसका HD पिक्चर देखना है तो जाइए हमारे ब्लॉग पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू सो मच।